नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम और अब बात लखीमपुर खीरी पर करेंगे, क्योंकि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल इस केस में पुलिस और एसआईटी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब अंकित दास ने भी सरेंडर कर दिया है। कई बार पूछताछ में शामिल होने की अपील के बाद अब अंकित दास ने खुद क्राइम ब्रांच के सामने पेशी दी। बुधवार को 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किए गए अंकित दास को क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में पेश किया। सीजीएम कोर्ट में सुनवाई हुई और पुलिस ने 14 दिनों की रिमांड कोर्ट से मांगी, लेकिन 3 दिन की रिमांड मिल सकी है। जानकारी के लिए बता दें कि अंकित दास के ड्राइवर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसा आरोप है कि लखीमपुर हिंसा वाले दिन आशीष मिश्रा की थार गाड़ी के पीछे अंकित दास की फॉर्चुनर मौजूद थी। उस गाड़ी को अंकित का ड्राइवर शेखर भारती ही चला रहा था। जांच के आधार पर अंकित के ड्राइवर को तो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब अंकित को भी कानून के सिकंजे में लेने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लखीमपुर हिंसा की बात करें तो उस घटना में कुल 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 4 तो किसान रहे, वहीं 3 बीजेपी कार्यकर्ता जबकि 1 स्थानीय पत्रकार। उस घटना के बाद से इलाके में जबरदस्त तनाव की स्थिति रही है। अब भी ये मुद्दा यूपी चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ा माना जा रहा है, खासकर कि कांग्रेस के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को ही एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है, जबकि प्रियंका गांधी भी लगातार दौरा कर रही हैं। यूपी सरकार के मंत्री भी किसानों संग बातचीत करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ऐसे में हर तरफ सिर्फ लखीमपुर हिंसा की जांच है और एसआईटी जांच पर भी सभी की नजर लगातार बनी हुई है। तो उस पूरे मामले पर कांग्रेस सबसे पहले पायदान पर नजर आती है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को सबसे ज्यादा कांग्रेस ने भुनाया है। चाहे प्रियंका गांधी का हाउस अरेस्ट होना हो, प्रियंका गांधी का चाहे फिर उसके बाद परिवार से मिलना हो, राहुल गांधी का मिलना हो, लखनऊ पहुंचना हो, या फिर आज राष्ट्रपति से मुलाकात करना हो। एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस सेलेक्टिव राजनीति कर रही है, किसी और मुद्दे को नहीं उठा रही है, लेकिन जहां जहां किसानों के मुद्दे हैं उसको उठाने की बुनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। जिस तरह से आज अंकित दास की गिरफ्तारी हुई है उससे यह साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला कुछ ना कुछ जरूर है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, अब अंकित दास ने भी सरेंडर कर दिया। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ये कहती है कि जब तक अजय मिश्रा अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते तब तक इंसाफ नहीं होगा। ये विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी कहती भी नजर आ रही है कि कांग्रेस को सिर्फ सियासत से मतलब है, सिर्फ राजनीति से मतलब है। वहां पर कई और लोगों की भी जान गई है, लेकिन उससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो फोकस हो रही है वो कांग्रेस हो रही है। ऐसे में कई विशेषज्ञ, कई रणनीतिकार, राजनीतिकार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। भले ही 2022 में कांग्रेस ना जीते, लेकिन प्रियंका गांधी एक मजबूत नेता हैं, ये वो ताल ठोक कर कह रही हैं और दिखाई भी दे रही हैं। कुछ का मानना ये है कि क्या जो ये रास्ता है लखीमपुर खीरी का, वो लखनऊ जाएगा, सीधे प्रियंका गांधी को ले जाएगा। कुछ का ये मानना है कि क्या दशकों से अपनी जमीन तलाशती कांग्रेस को अब 2022 में जमीन का टुकड़ा कहीं पर भी हासिल हो सकता है। ये बहुत सारे सवाल हैं, आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले ये कि अंकित दास, जो कि बहुत खास दोस्त आशीष मिश्रा का है, उसको भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिन तक वो हिरासत में रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। जहां एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मंत्री का इस्तीफा चाहिए, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि इंसाफ मिला है। लखीमपुर खीरी मामला, 2 हफ्ते का समय बीतने वाला है, राजनीति टॉप लेवल की हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि तमाम राज्यों में तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस वहां नहीं जाती है। कांग्रेस राजस्थान नहीं जाती, कांग्रेस पंजाब नहीं जाती है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ नहीं जाती, और सिर्फ उत्तर प्रदेश आती है। तो क्या सिर्फ राजनीति कर रही है कांग्रेस? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।
कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और किसान नेता को भी जोड़ना जरूरी है क्योंकि किसानों पर सबसे ज्यादा सियासत होती आ रही है। आपको बता दें कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और लगातार किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति करती हुई नजर आ रही है। कोई भी हो, चाहे कोई महापंचायत हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, यहां पर कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाती हुई जरूर नजर आती है। चाहे हरियाणा में किसानों पर अत्याचार हो रहा हो उसको लेकर भी कांग्रेस सियासत करती है। तो ऐसे में क्या किसानों के सहारे कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये सबसे अहम सवाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बेहद नाराज हैं प्रदेश सरकार से, ऐसा माना जा रहा है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि किसानों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ने वाली है। राकेश टिकैती कहते हैं कि वोट की चोट का असर देंगे 2022 में, तो इससे साफ है कि बीजेपी को बहुत गहरा धक्का लग सकता है। उसके बाद ये लखीमपुर खीरी की घटना, तो इसके लिए ये जो घटना है वो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन करना पड़ रहा है। ये सोने पे सुहागा जैसा कांग्रेस के लिए हो रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है और खेल भी रही है, तभी तो ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी से शुरू हुआ, लखनऊ भी गया है, बहराइच भी गया है, उसके बाद आज दिल्ली तक भी पहुंच गया। दिल्ली में महामहिम से मुलाकात करना और ये कहना कि मंत्री का इस्तीफा जल्द से जल्द होना चाहिए, उसके बाद राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक इंसाफ नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या जब सीबीआई जांच इसमें चल रही है, एसआईटी का गठन है, तो विपक्ष को इंतजार करने की जरूरत नहीं है, या जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक इंसाफ नहीं होगा? इसका रट्टा कब तक कांग्रेस लगाएगी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल सरकार पर भी है कि इस पूरे मामले में जब कोर्ट ने दखल अंदाजी की, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तभी इस पूरे मामले में तेजी क्यों दिखाई दे रही है? एक हफ्ते का समय बीत गया तब तेजी नहीं दिखाई दी, 6 दिन निकल गए तब तेजी नहीं दिखाई दी, अब तेजी दिखाई दे रही है। खुद ही अंकित दास आते हैं, अपना सरेंडर करते हैं, लेकिन अब भी कई सवालों के जवाब जो हैं आशीष नहीं दे पाए थे जब उनसे पूछताछ की गई। जानकारी ये भी मिल रही है कि अब आशीष और अंकित दास को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। बहुत सारी राजनीति इसमें हो रही है, सपा भी पीछे नहीं है, बसपा भी पीछे नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस आगे आ रही है। किसानों का मुद्दा है, भुनाना बेहद जरूरी है। देखिए, अन्नदाताओं को देश का पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है, जब अन्नदाता की बात होती है तो बहुत ही मार्मिक तरीके से होती है, इस मुद्दे पर बहुत ही मार्मिक हम दृश्य जो है वो रखते हैं, लेकिन कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि लोग समझ नहीं पाते कि आखिर कौन सच्चा है कौन झूठा है। इस मामले में भी वही हो रहा है। आशीष कहते हैं कि उस वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां के लोग जो हैं, वहां जो किसान थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि मोनू यानी कि आशीष मिश्रा वहीं पर थे, उनके दोस्त की गाड़ी वहां पर मौजूद थी। आशीष कहते हैं कि उनके दोस्त का ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा था जिस थार से किसानों को कुचला गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ राजनीति करना काफी है? जहां एक तरफ सरकार की और किसानों के बीच बातचीत हुई, मुआवजे पर सहमति बनी कि मुआवजा मिलेगा, सरकारी नौकरी परिवार को मिलेगी, तब किसान जो है पीछे हट गए थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो किसान नेता इस पूरे मुद्दे को बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि किसान उस समय पीछे क्यों हट गए जब सरकार से बात हो, यानी कि एक सोची समझी पूरी साजिश ये कहा जा सकता है, पूरा प्लान था। ना बीजेपी सही ना कांग्रेस सही, सही कौन है, सवाल ये है और इसी के तार जो है वो लगातार उलझते हुए नजर आ रहे हैं। सुलझाना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि जल्द ही इंसाफ होगा, जो भी आरोपी है वो जल्द सामने आएगा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। पवन खटाना किसान नेता हैं, गौरव मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी से और रोशनी जायसवाल प्रवक्ता कांग्रेस से। सबसे पहला सवाल रोशनी जी से। रोशनी जी, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्या कहेंगे आप लखीमपुर मामले पर? लखीमपुर में जिस तरह से 8 किसानों की मृत्यु हुई, न जाने कितने घायल हुए, इसका वीडियो हर किसी के फोन में है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने दिन रात एक करके साजिश के तहत किसानों को दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने रोनते हुए चला गया, और उसका वीडियो हर शख्स के फोन में होते हुए भी अभी तक मंत्री जी को बर्खास्त नहीं किया गया है,
और उनके बेटे को अभी तक कोई कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। कांग्रेस की सरकार 70 साल तक थी देश में, अभी तक ऐसा मुद्दा सामने नहीं आया था कि किसी भी कांग्रेस के मंत्री के बेटे ने ऐसा शर्मनाक कृत्य किया हो और वो मंत्री अपने पद पे बरकरार हो। और उसके बाद जैसे ही हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को पता चलता है, वो रात आधी रात की परवाह किए बिना 12 बजे लखनऊ के लिए रवाना होती हैं, फिर लखनऊ से जब लखीमपुर जाती हैं तो किस तरह से पुलिस प्रशासन का बुरा व्यवहार किया जाता है, धक्का मुक्की की जाती है प्रियंका गांधी जी के साथ, उसका वीडियो भी हम सब ने देखा। किसानों से मिलना क्या इतना बड़ा जुर्म हो गया कि गांधी परिवार के नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को 3 दिन तक कैद रखा गया? ये इतिहास रचा गया है बिना किसी कसूर के। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को जिस तरह से 3 दिन बंद रखा गया वो पूरे देश ने देखा। और भारतीय जनता पार्टी अपने लिए गड्ढा खुद खोद रही है। अगर वो मंत्री जी को बर्खास्त कर दिए होते, उनके बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दे दी होते तो बात आगे बढ़ती नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे। मैम सीबीआई पे भरोसा, अरे सबके आंखों के सामने है वो वीडियो, सबके फोन में है वो वीडियो। थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इंतजार किस बात का? आपको याद है कि मोदी जी के भतीजी का पर्स चोरी होता है और वो मात्र कुछ घंटों में मिल जाता है। आप उस घटना को इस घटना से जोड़ रही हैं? अन्नदाताओं की मृत्यु हो जाती है, कई घायल हो जाते हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी तक उनका हत्यारा खुला घूम रहा है। हत्यारे के जो बाप है वो मंत्री पद पे बरकरार हैं। क्या यही है न्याय? क्या यही अन्नदाताओं के साथ सुलूक कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कोई बात नहीं, 2022 का चुनाव नजदीक है, जनता मुंह और तभी तो राजनीति है। 2022 का चुनाव नजदीक है और इसीलिए लखीमपुर खीरी की बहुत चिंता है कांग्रेस को। लखीमपुर नहीं, इसके पहले भी न जाने कितने हादसे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आप हाथरस की घटना देख लीजिए, आधी रात को जिस तरह से बिना घर वालों के परमिशन से जलाया जाता है मनीषा का सब, उसका भी वीडियो। मैम हाथरस की घटना लगती है, वो एक महिलाओं का मुद्दा है, ये किसानों का मुद्दा है। उस समय चुनाव नहीं था, वो तो बहुत पहले की घटना है। आप अभी क्या मुद्दे को चुनाव से जोड़ रहे हैं? 2021 के शुरुआत में प्रधानी चुनाव उत्तर प्रदेश में थे, ये आप भूल रही हैं रोशनी जी। तो पिछले 4.5 साल से कांग्रेस ने जमीन पे कार्रवाई की है, जमीन पे लोगों की मदद की है, और अब अगर आप किसी भी मुद्दे को चुनाव से जोड़ेंगी तो वो बात अलग है। कोरोना में हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस तरह से लोगों की मदद कर रहा है, अगर 4.5 सालों में कांग्रेस धरातल पर रही है, जमीनी स्तर पर रही है, तो ऑल द बेस्ट, फिर तो बहुत अच्छी बात है 2022 के लिए आपके लिए। गौरव जी, थैंक यू सो मच। गौरव जी, रोशनी मैम कह रही है कि प्रियंका गांधी को वहां हाउस अरेस्ट किया गया, जो कि बेहद शर्मनाक था। ऐसा उनकी सरकार में किसी ने नहीं किया है। उनकी सरकार में ऐसा किसी भी मंत्री का पुत्र नहीं है जो ऐसा कृत्य करता है। देखिए रोशनी जी बहुत अच्छी प्रवक्ता है और इनको अपने पार्टी का इतिहास जानना चाहिए। जिनसे उनकी नाक मिलती है प्रियंका जी की, उन्होंने पूरे देश को कैद में डाल दिया था, जेलों में ठूंस दिया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन किसानों की रहनुमाई की ये बात कर रही है, किसानों की लड़ाई लड़ रही है, इनकी सरकार ने मध्य प्रदेश में 24 किसानों को गोलियों से भून दिया था। तो सबसे पहले अपने पार्टी के इतिहास, आप कुछ भी पृष्ठभूमि को याद के साथ बात करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा गौरव जी। तो अगर आप प्रूफ आपके पास है, क्या वो वीडियो आपके पास है, क्या वो वीडियो किसी के फोन में है? लेकिन ये वीडियो सबके फोन में है कि किस तरह से अभी तक आपने कार्रवाई नहीं की। अभी तक मंत्री जी पद पे बरकरार है। कोई मंत्री जी का हाथ था? कोई मंत्री जी लोकतंत्र को बंधक किसने बनाया? मंत्री जी का लड़का या मंत्री जी उस पद पे बरकरार थे? मंत्री जी पद पे बरकरार थे? किसी मंत्री जी का हाथ था? इंदिरा गांधी जी बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था, आप सुनिए। आप बोल लीजिए, धैर्य रखिए, बोलिए, धैर्य रखिए। दूसरी सबसे बड़ी, मतलब आपके हिसाब से ये जो काम हुआ है वो सही है? ये मंत्री जी के बेटे को ऐसा करना चाहिए था कि दिन दहाड़े किसानों को रोनते हुए चले गए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं? उनको इसके पहले भी मंत्री जी के ऊपर कितने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से जरा चेक करवाइए, उसके बावजूद जी भी वो मंत्री है। भारतीय जनता पार्टी, आप दोनों आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, आप दोनों लड़ते रहिए, भारतीय जनता पार्टी आप दोनों लड़ते रहिए, फैक्ट पर बात मत करिएगा, लड़ते रहिएगा बस।
लिंचिंग करके मारा गया उसके बारे में भी बोल दिया। फैक्ट पर बात मत करिएगा, बस लड़ते रहिएगा। पवन खटाना जी हुई है उनके बारे में भी बोल दिया। पवन खटाना जी मंत्री जी के बेटे आशीष मिश्रा ने पवन खटाना जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? अभी दंगा कराया गया उसके बारे में भी बोल दी होती तो बहुत सारे प्रश्न कांग्रेस के लिए भी है। और ये बिना प्रूफ के आप कुछ भी बात करेंगे, फैक्ट पे बात करिए गौरव जी। फैक्ट यही है कि मंत्री जी के बेटे ने दिन दहाड़े लोगों की हत्या की और वो अभी तक कोई भी सजा का पात्र नहीं बना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और मंत्री जी पद पे बरकरार है, मंत्री जी को कब बर्खास्त कर रहेगी भारतीय जनता पार्टी, इसका जवाब दीजिए। आप दोनों पहले सुन लीजिए, गुलाम मानसिकता के लोग आप दोनों पहले सुन लीजिए। पहले इन्हें तो रोको, आप जो बोलते ही बोलते इन्हें तो रोको पहले। आप पवन खटाना जी, आप इन्हें तो रोक लो पहले, जो गुंडे बैठा रखे हैं आपने। पवन खटाना जी, कांग्रेस जो कर रही है, कांग्रेस जो कर रही है संतुष्ट है किसान उससे? देखो पहली बात ये सुनो, कांग्रेस भी जो कर रही है वो विपक्ष का धर्म निभा रही है। अच्छा, उन्हें निभाना चाहिए, ठीक है। अगर ये विपक्ष का, अरे सुना भाई, अरे आप सुना करो, बीचो मत बोला करो। गौरव जी सुन लीजिए पहले, बीचो मत बोला सुन लीजिए गौरव जी। देखिए समय आज ज्यादा नहीं है, आधे घंटे आप हमें मत बुलाए करो। गौरव जी, गौरव जी सुन लीजिए, किसान का पक्ष भी तो रख, किसान अपना पक्ष रख रहा है उसकी भी सुन लीजिए। किसान के रूप में खालिस्तानी है सब रंगे हुए सियार। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हर किसी को, हर बीजेपी के नेता यही कहता है कि किसान खालिस्तानी है, किसान खालिस्तानी है। भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जय हो। ऐसे नहीं चलेगा ना, खालिस्तानी आतंकवादी सिर्फ भारतीय। अरे गौरव जी, गौरव जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हर बार आप यही कहते हैं किसान नहीं है खालिस्तानी है, किसान नहीं है खालिस्तानी है। रिकॉर्ड अन्न उत्पादन कर रहा है इसे ये समझा दो, किससे ज्यादा बढ़िया बोलना जानता हूँ मैं, और इसे भाषा सिखा दूंगा गुंडे को मैं। एक मिनट में, ये जो गुंडा बैठा रखा आपने और इस गुंडे को बैठा करके बादल मत दिया करो यहाँ पर। मैं चीजें सब बता रहा हूँ, और काजोल जी हमें मत बुलाया करो। अगर आप गुंडों का हाथ दिख चुका हो तो हमें मत बुलाया करो। आप एक एक करके बोलिए, गुंडे बैठा रखा आपने इस पे, ये गुंडे को बैठा हो गए आप। जब इन्होंने गुंडों को बैठे हो आप हमें बुलाते हो, हमें नहीं किया है सही। कौन है इससे ज्यादा गिरावट इंसान है कोई? गौरव जी आप इनसे सुनिए, एक मिनट पवन खटाना जी एक सेकंड। आपने हमें बैठा रखा है यहाँ पर, गौरव जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। पवन जी बोलिए, पवन जी बोलिए। नहीं इसे बुलवाइए आप, काजल जी काहे को बुलाते हो आप हमें यहाँ पर? कौन है ये गुंडा है? गुंडा देखिए वो चुप हो गए ना, ये गुंडे हैं। आप भी, आप कौन है? किसान की बात, ये कौन होता है खालिस्तानी कहने वाला? हमें कौन होता है खालिस्तानी कहने वाला? ये है कौन? कौन है ये? किसानों को पीछे से कुचलेगा, ये गुंडा कहेगा खालिस्तानी कहेगा हमें? कौन है इस बदतमीज आदमी को यहाँ पर बुलवाया ना आपने? हमें मत बुलवाया करो टीवी चैनलों पे, आप महा बदतमीज आदमी है ये। देखिए आप दोनों अपनी भाषा को थोड़ा सा मर्यादित कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो किसान नेता हो, तो हमें मत बुलाइए आप। अगर गौरव जी हुआ है तो हमें मत बुलाइए, इनको बुलाइए जो आपको पैसा देते हैं, हमें मत बुलाइए, हमारे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। पवन खटाना जी, पवन खटाना जी, पवन खटाना जी, कौन सा चेक देखा है आपने? पैसे की बात कर रहे हैं आप, कौन सा चेक देख लिया आपने? अरे ये बीजेपी के गुंडे लड़े रखे आपने, आपने ये कैसे बोल दिया? आपने ये कैसे बोला कि पैसे देते हैं? आपने चेक काट लिया है, आपने चेक काट लिया है। मैं आपका यहाँ समर्थन कर रही हूँ, और आप बिना मतलब के, बिना मतलब ये बोलेगा बीच में हमारे यहाँ? अरे तो आप भाषा को मर्यादित करिए ना, जब वो चुप हो गए तो आप कितना कर रहे हैं? मर्यादित ये बोल रहा है, मर्यादित शांत रहिए ना, शांत रहिए। आधे घंटे की चर्चा है, उसमें आपस में ऐसे लड़ रहे हैं। आधे घंटे की चर्चा है, खालिस्तानी बनेगा? आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए ना। हमसे खालिस्तानी जो बोलेगा हम पर इलाज है उसका। अरे तो आप भी तो गुंडा बोल रहे हैं ना, सिंह भी रहता है, आप भी तो गुंडा बोल रहे हैं ना। किसान को क्या इशारा किसको बात है आप ये बताइए? चलिए चलिए ठीक है, आप उनको बोल रहे हैं, आप ये मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। ये
पवन खटाला जी, पवन जी चलिए ठीक है, आप उन्हें गुंडा बोल रहे हैं लेकिन किसान नेता के शब्द तो ऐसे नहीं हो सकते ना। आप तो अपनी भाषा को मर्यादित रख सकते हैं, आप एक अच्छी छवि रखते हैं, अगर आप उसका तो बीच में ये बोलेगा तो मैं गुंडा बोलूंगा, अगर बीच में बोलेगा तो मैं गुंडा बोलूंगा, मेरे बीच में ना बोले। आप गुंडा बोलिए, आप खालिस्तानी बोलिए, आप यही करिएगा ठीक है, ठीक है, और ऐसे इंसाफ मिल जाएगा, और ऐसे इंसाफ मिल जाएगा। ये गुंडे हैं, ये किसान के हत्यारे हैं, ये गुंडे हैं, इन्होंने गाड़ियों से कुचला है हमें, ये सरकारी गुंडे हैं, बीजेपी के पालतू गुंडे हैं ये हम कह रहे हैं। जी आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, फिर आप मजबूर कर रहे हैं, फिर आप शांत रहिए ना, आप बीच में मीडिया को क्यों ले आते हैं, आप मुझे ये बताइए पहले, अपनी बात रखिए, अपना पक्ष रखिए, भारत में रहेंगे पक्ष में अपनी बात रखिए। फिर वो कौन है जो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए हैं, क्या वो इंसान नहीं थे? जो बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए हैं क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं थे? हमारा बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अरे तो आप पर्सनली लड़िए ना, डिबेट में क्यों लड़ रहे हैं ऐसे? आप एक दूसरे के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, डिबेट में तो मत ऐसा करना। खालिस्तानी बोलेगा क्या? अरे तो उनको मैं चुप करा रही हूँ ना, आप सुनते क्यों नहीं है? ये खालिस्तानी बोल रहा मैं। पवन जी आप अपनी बात रख लीजिए, अब सुन लीजिए आप। अब तो रोशन जी बोल रहे हैं कि अपनी बात रख दीजिए, आप भी बात नहीं रखेंगे। हमारा कहना ये काजल जी, जी जो ये कह रहे हैं कि कानून का राज कायम है, महाराष्ट्र में आज सभी टीवी चैनलों पर चल रहा है कि शाहरुख खान के बेटे को इसलिए बंद कर रखा है, इसलिए जेल में डाल रखा है क्योंकि वो सबूत न मिटा दे। उसके लिए ये कहा जा रहा है कि उसके पिताजी एक बड़े पद पे हैं, बड़े अभिनेता हैं, वो सबूतों को मिटा देगा। जो एक गृह का राज्य मंत्री है उसका बेटा जो एक 8 हत्याओं का दोषी है, 8 हत्याओं को कुचल करके मारा है। अच्छा जो 4 हत्याएं और हुई है उसका भी दोषी बेटा ही है। आप ये पवन जी आप ये कहना चाह रहे हैं राज्य मंत्री तुरंत इस्तीफा होना चाहिए, ठीक है, देश के गृह राज्य मंत्री का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो आप ये कह रहे हो कि यहाँ कानून है, क्या देश में कहीं ऐसी कानून है कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में हो, आप 120वीं का वो आरोपी हो और वो खुला घूमे? क्या इनसे डिमांड कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं इनसे? पूरी वीडियो इनको दिखा दी। आज एक और कृत्य देखो इनका, जो प्रदेश का मंत्री है, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, वो लखीमपुर खीरी में जाता है, वो उन लोगों के पास जाता है जो लोगों को कुचलते हैं और कुचलने के कारण गाड़ी पलट करके दब के मर जाते हैं, लेकिन उन लोगों के पास नहीं जाता जो कुचले गए हैं, जो किसान खत्म किए गए हैं, जो पत्रकार खत्म किया गया है गाड़ी से कुचल कर, वहां नहीं जाता। बीजेपी ये इसकी बीजेपी की आपको जीती जागती उदाहरण मिलता है। ठीक है ठीक है, इसमें जांच तो चल रही है ना, जांच चल रही है, हमारे कब बराबर है, इंतजार कीजिए ना, कब बराबर रह गई, क्यों ऐसा लगता है? एक ही तो थैली के चट्टे बट्टे हुए, आप गुंडों को बुला लिया आपने, ये देखो अब क्या कर रहे हैं, आधे घंटे की चर्चा थी उसमें गुंडा खालिस्तानी आपने निकाल दिया पूरा समय। आखिरी कमेंट रोशनी जी आप बताइए, क्या ये सिलेक्टिव राजनीति क्यों हो रही है, कांग्रेस इसी से ही 2022 को पार करेगी? देखिए ये राजनीति अगर आप कहेंगे कि किसी के दुख में उसके साथ खड़े रहना, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सोशल मीडिया पर है। आधी रात को लखीमपुर के लिए निकलना, फिर 3 दिन तक बंद रहना, जिन प्रियंका गांधी वाड्रा जी का एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड उनके पास मिलने के लिए लोग तरसते हैं, उनको 3 दिन तक 72 घंटों तक बंद रखा गया और उसके बाद जाके वो लखीमपुर में मृत किसानों के घर वालों से मिल पाती है, और जिस तरह से गले लगाते हुए फोटो आता है तो उसमें लोग बोलते हैं कि राजनीति कर रही है, तो मैं कहना चाहूंगी अगर इसे राजनीति कहते हैं तो ये राजनीति बहुत अच्छी है। ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए कि जो अन्नदाता पिछले 9-10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो गई, फिर लखीमपुर में जिस तरह से मंत्री जी के बेटे ने इतने किसानों को रौंदा, घायल किया, उनके घर वालों से एक बार जाके सांत्वना तो नहीं दिया, उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री लखीमपुर से
120 किलोमीटर की दूरी लखनऊ में आते हैं और लखीमपुर की घटना के ठीक एक दिन बाद आज आज आते हैं। आज आपने महामहिम को महामहिम के साथ मुलाकात तो कर ली है ना? आज तो मुलाकात हो गई महामहिम से। 30 सेकंड नहीं दिए, एक भी वाक्य नहीं बोला किसानों के समर्थन में। जो किसान मरे हैं उनकी आत्मा को शांति मिल जाती अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके लिए कुछ शब्द बोल देते, लेकिन उनके पास महोत्सव करने का समय है लेकिन किसानों के दुख में दुख मनाने का समय नहीं। ठीक है रोशनी, आपने बहुत बातें कही, उसमें सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि प्रियंका गांधी ऐसी शख्सियत है जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी और चर्चा को भी याद रखूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अंकित दास को गिरफ्तार कर लिया गया है, सरेंडर किया था अंकित दास ने, उससे पहले आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन विपक्ष यानी कि कांग्रेस पूरी तरह से अड़ा हुआ है, किसान अड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा होगा तभी इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस पर जो इतनी सियासत हो रही है, क्या सिर्फ इसलिए कि 2022 में चुनाव है या वाकई किसानों के लिए कांग्रेस के दिल में बहुत दर्द है? फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।